एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएससी इजी स्टिचिंग एंड कटिंग। तो फ्रेंड, लहंगे की लंबाई और कमर की चौड़ाई को कम करना बता रही हूँ कि किस तरह से हैवी लहंगे। ये देखिए, मेरा काफ़ी हैवी लहंगा है ये और अभी रेडी नहीं है, तो हम इसकी लेंथ भी कम करेंगे और इसकी कमर भी कम करेंगे। यहाँ से कमर हमको लगभग इसमें 8 इंच कमर को कम करना है। तो किस तरह से हम लहंगे की लेंथ और कमर को कम करते हैं, बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लहंगे की लेंथ और कमर कम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लहंगा है, ऊपर जो हमें बॉर्डर दिया गया है, इस बॉर्डर को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के बाद ये यहाँ पर इस तरह से कलियाँ दी गई हैं, ये देखिए, इन सारी कलियों को हम खोलेंगे। ठीक है, खोलने के बाद यहाँ पर हम प्लेट डाल के और बॉर्डर को कम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से। इस तरह रिमूव होने के बाद हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, हमें कितनी कम करनी है। इसकी हमारी टोटल लेंथ है 41 इंच, हमें केवल इसकी 1 इंच लेंथ कम करनी है, तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको 2 इंच कम करनी है तो आप इसकी 1 इंच की कटिंग करिए। तो मुझे यहाँ पर केवल 1 इंच लेंथ कम करनी है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। अब इसकी हमको कमर भी कम करनी है, तो हम कमर के लिए क्या करेंगे, हमको 8 इंच कमर कम करनी है। तो हम पहले इनकी कलियों को गिनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 8 कली हैं, यानी हम एक कली में अगर 1 इंच इसमें दबाएंगे तो हमारा 8 इंच एकदम से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हर कली पे इस तरह से हम आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, इस तरह से हम यहाँ प्लेट लगाएंगे। इस तरह से हम इस पे हर कली पे प्लेट डालें। अब निशानों का अंदर हमारा हो गया, इसके बाद हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। इस तरह क्लियर दिखेगा। अब यहाँ से हम हाफ हाफ इंच बढ़ते हुए इस तरह से प्लेट वो धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे। इसमें काफ़ी सारे स्टोन हैं, हमारी कम्प्लीटली पड़ चुकी हैं। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे कि ये हमारा कितना है। पैंतीस इंच है, ठीक है। अब 35 इंच ही हम इसमें से ले लेंगे। इतना हमारा ये बॉर्डर लहंगे की कमर कम हो गई, 8.5 इंच हमारी कमर कम हो गई, ठीक है, 8 से 8.5 हो गई। अब इतना हम इसे काट के निकाल लेंगे और इसके ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आपको लहंगे की लेंथ 2 इंच कम करनी है तो आप 1 इंच कट कर सकते हैं। अगर आपको 1 इंच ही कम करनी है तो मैं इसी के ऊपर इस तरह से बॉर्डर ऐसे करके लगाने वाली हूँ। तो जो हमारी लेंथ इस तरह से थी, ऐसे थी, अब इसको हमने यहाँ से हटा के 1/2 इंच ऊपर चढ़ाएंगे और 1/2 इंच इस तरह से,
यहाँ लगाएंगे तो एक इंच मेरी ये लेंथ कम हो जाएगी। आई होप आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अब यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो अस्तर इसका रिमूव किया था ये, इसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे। किस तरह से अटैच करेंगे ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए इस तरह से पूरा अस्तर मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अब इस पे लगाएंगे हम बॉर्डर। अब हम बॉर्डर को इस तरह से उल्टा रखेंगे और अपने लहंगे को सीधा, और यहाँ से हमको बॉर्डर को इस तरह से अंदर की ओर डालना है और देखना है कि किनारी बिल्कुल सेंटर पे आए इस तरह से, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए गाइस पूरा बॉर्डर मैंने इसमें इस तरह से अटैच कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे फिर से मशीन लगाएंगे, यहाँ से फिर से मशीन चला लेंगे। फ्रेंड देखिए ऊपर से इस तरह से ये बॉर्डर हमारा अटैच हो गया, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा बॉर्डर अटैच हुआ है और लहंगा इसी के साथ हमारा बनकर हो गया कंप्लीट। अब इसमें नाड़ा और इसके लटकन हम डाल देंगे। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।